नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश शर्मा। आज इस वर्तमान परिदृश्य पे जिस प्रकार इस कोरोना काल में लॉकडाउन को बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है, स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, भयावह हो रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं के तहत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोग राशन और अन्न के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार का सामंजस्य विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठनों के साथ होना चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो हम सबका यह मानना है कि एक बड़े सामंजस्य के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको सादर धन्यवाद। जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग का अमला आज पूरा का पूरा कोरोना पीड़ित हो गया है और इस स्वास्थ्य विभाग के अमले के पीड़ित होने के साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, तो मेरा ये मानना है नगरीय निकाय के लोग, राजस्व का अमला, कलेक्टर के माध्यम से जो भी प्रक्रियाएँ संचालित हो रही हैं उनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको और सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि आज लोग राशन की दुकानों पर जाकर, लॉकडाउन के चलते विभिन्न दुकानें बंद हैं, आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हैं और एक मध्यम वर्गीय के पास भी एक नई परेशानी आ गई है। उसके साथ भी बिजली के बिल से लड़ना है, उसके साथ भी बच्चों की फीस से लड़ना है। ये सारी समस्याओं के साथ शासन को विशेष टास्क दल जो गठित किया है उसमें विभिन्न चीज़ों का समावेश किया जाना चाहिए और लोग जो परेशान हो रहे हैं जल्दी ही उन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसको लेकर एक विस्तृत कार्य योजना का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है कि पहले लॉकडाउन वन में, लॉकडाउन टू में समस्याएं थोड़ी सी अलग हो गई हैं, थोड़ी सी भयावह हो गई हैं। तो मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी चीज़ों पर, इन सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे और इस प्रणाली को और इस तरीके को थोड़ा सा सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग जो परेशान हैं इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुक्ति पाए। हम मध्य प्रदेश के सभी लोग इस कोरोना के खिलाफ जंग में सभी शामिल हैं और सभी लोग ये कामना करते हैं कि जल्दी हमारा मध्य प्रदेश इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्त होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।